हाल ही में एक नाम आप सभी ने सुना होगा पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर नाम आई एस ऑफिसर का है और यह आई ऑफिसर वर्ष 2022 के यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत उत्तीर्ण होती है 800 के आसपास इनकी रैंक लगती है और ओबीसी नॉन क्रिमिले सर्टिफिकेट और मल्टीपल डिसेबिलिटी विकलांगता के सर्टिफिकेट्स के कारण इन्हें महाराष्ट्र कार्डर में आई के पद के ऊपर पोस्टिंग मिलती है यह लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसके हम शॉर्ट फॉर्म में लवासना भी कहते हैं जहां आई अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है उस स्थान विशेष से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके राज्य में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए आगे जाती है महाराष्ट्र में पुणे में इन्हें एज अ प्रशिक्षु आई या आई ए प्रोबेशनर भेजा जाता है वहां सर्विस करते टाइम इन्होंने बहुत ही ज्यादा डिमांड्स रखी जो कि कहीं न कहीं एक प्रशिक्षु आई के लिए लीगल भी नहीं हो सकती है एथिकल भी नहीं हो सकती है जायज भी नहीं हो सकती है जैसे कि सर्विस पे ऑडी कार से ट्रेवल करना अपनी पर्सनल ऑडी कार के ऊपर महाराष्ट्र शासन का बोर्ड और लाल बत्ती का इस्तेमाल करना यही नहीं इसके अलावा भी उन्होंने अपने पर्सनल चैम्बर में प्राइवेट अपने खुद के निजी धन से फर्नीचर्स को मूव इन किया इनके माता पिता को भी कहीं न कहीं एक शक्तिशाली वर्ग से देखा जा सकता है पिताजी जो है महाराष्ट्र प्रशासन में अधिकारी रह चुके हैं माताजी जो हैं वो पहले ही सरपंच रह चुकी हैं कई बार इनका बंदूक के साथ में किसानों को डराते हुए धमकाते हुए भी कई फोटो वीडियो वायरल हो चुके हैं अब मामला आता है पुणे के कलेक्टर साहब के हाथ में कलेक्टर साहब इन्हीं के कई सारे आ, आ, जो डिस्कशन सामने आते हैं शिकायतें सामने आती हैं अधिकारियों को जो परेशान किया जा रहा था वो सामने आया तो पुणे के कलेक्टर हैं राजीव दीक्षित जी उन्होंने यह कंप्लेन चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव को लिखी जो कि महाराष्ट्र के सीनियर आई आईएएस अधिकारी है कई निजी प्रश्न उठाए गए इनके नाम छुपाने पे, नाम बदलने पे, अपनी उम्र को छुपाने पे, उम्र को बदलने पे, अपनी विकलांगता को गलत तरीके से प्रदर्शित करते हुए मल्टीपल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करना पिताजी के और माताजी के नाम पे करोड़ों की संपत्ति होते हुए ओबीसी वर्ग के अंतर्गत नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अर्जित करना और उस आधार पे यूपीएससी सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस को इन्होंने उसके जो छोटे छोटे लूप होल्स है उन लूप होल्स का फायदा उठाया यूपीएससी की आंख में कहीं कहीं धोखा रखते हुए इन्होंने यूपीएससी के अंदर फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में अपना नाम अर्जित करते हुए यह पोस्ट पे पहुंचे कहा जाता है पद का मद आदमी को बर्बाद कर देता है ऐसा ही कुछ देख ने को मिला है क्योंकि यूपीएससी ने इन्हें ट्रेनिंग से टर्मिनेट कर दिया है और वापस इमीडिएटली लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना मसूरी पहुंचने का कहा है इस वीक में उन्हें मसूरी पहुंचना है और यहां से महाराष्ट्र से इनकी सर्विसेज को या जो ट्रेनिंग हो रही थी प्रशिक्षु आईएएस की प्रोबेशन की उसे अभी पे रखा गया था अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आज दोपहर की इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट यूपीएससी ने कहा कि आज तक जो विद्यार्थियों का देश का और जनता का जो यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर एक इंटीग्रिटी के ऊपर एक आज तक बेदाग रहा है वही विश्वास को बरकरार रखना चाहता है और यूपीएससी ने एक्शन लेने के लिए एक थरो इन्वेस्टिगेशन भी किया उससे पहले कि क्या, -क्या गलतियां की है मनोरमा पूजा मनोरमा जी ने और एक प्रोविजनल रिकमेंडेड कैंडिडेट जो था यूपीएससी सिविल सर्विस के एक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है इन्होंने बहुत फ्रूडुलेंट तरीके से अटेम्प्ट किया है एग्जामिनेशन रूल्स को बिहेव रूल्स uh, को ब्रेक किया है उन्होंने अपनी से लेके नाम से लेके माता पिता के नाम से लेके अपनी, फोटोग्राफ से ले के, अपनी ID, number, address, कहीं, -कहीं पहचान नहीं पाई थी अतए यूपीएससी ने यहाँ पे क्रिमिनल तरीके से प्रोसिक्यूट करने का निर्णय लिया यूपीएससी ने पुलिस डिपार्टमेंट और अथॉरिटीज के साथ बैठ करके एक एफ आई आर यहां पे लॉन्च है और पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को यहां सो कॉज नोटिस जारी दिया गया है कि क्यों ना उसका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का कैंडिडेटचर या आई की सर्विस से उसको डीबार कर दिया जाए फ्यूचर में कभी उसे परीक्षा नहीं देने दी जाए और सिलेक्शन प्रोसेस से भी उसको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत दूर रखा जाए अब ये सारी चीजें यूपीएससी क्यों कर रही क्या यूपीएससी कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट को फुलफिल करना चाहती है क्या यूपीएससी चाहती है कि आज तक जो हमने हाईएस्ट पॉसिबल एक इंटेलिजेंस बरती है कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपने क्रेडेंशियल्स के साथ में क्या यूपीएससी इसी क्रेडेंशियल्स को आगे मेंटेन करना चाहती है क्या यह इस आई के एग्जाम की सेंटिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहती अगर ऐसी बात थी तो पूजा खेडकर का तो दोस्तों ये मामला एक है ऐसी कई और पूजा खेडकर संभव है या नहीं बिल्कुल संभव है आजकल फर्जी सर्टिफिकेट भारत में प्राप्त करना जैसे आलू और प्याज जाकर के किसी जगह से खरीद के लाने के बराबर हो चुका है आप पांच सौ रुपए हजार रुपए के अंतर्गत यहाँ पे कोई भी गैजेटेड अधिकारी की सील कहीं ना कहीं लोग लगा डालते हैं कोई भी अधिकारी हो कोई भी वकील हो वहां पे वेरिफिकेशन के अंतर्गत भी करप्शन ये सारी चीजें हुई कैसे ये सोचिए ना सबसे पहले एक सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्टर्स की सहायता से डॉक्टर ही तो वेरीफाई करते हैं वहां पे कि वाकई वह विकलांग है अथवा नहीं है और यह विकलांगता का प्रतिशत क्या है 40 प्रतिशत है 50 प्रतिशत है 90 प्रतिशत है या फिर फुल्ली डिसेबल है

एम्स के डॉक्टर्स के माध्यम से इजाद एक फॉर्मूले के आधार पे ये सर्टिफिकेट ये प्रोसेस जारी करती है और इन्होंने उस लूप होल का भी प्रयोग किया खूब और इस प्रकार इन्होंने अपने फेक आइडेंटिटी और फेक सर्टिफिकेट से यह एग्जाम क्रैक किया अगर ये ओबीसी के अंतर्गत जाकर जाते हुए नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट हासिल नहीं करती तो कहीं न कहीं यह एज लिमिट भी इनकी कंप्लीट हो चुकी थी इन्हें ना ही अटेम्प्ट मिलते ना ही इनकी आयु उतनी थी सो so, इन्होंने पूरे सर्विस रूल्स की जो है एक तरीके से बहुत ही शर्मनाक तरीके से कहा जा सकता है उसको पूरा धूमिल कर दिया है यूपीएससी इसको नहीं भाप पाया अब यूपीएससी को कहीं न कहीं यहां तक आते हुए एक पूजा आ, को ही नहीं एक आई पूजा कोई नहीं या फिर ऐसे कई अन्य कई एस्परेंट हो सकते जिन्होंने इन्फ्लुएंस के कारण प्रभावों के कारण फेक आइडेंटिटी और बहुत ही फ्रूडुलेंट तरीके से अपने लिमिट्स बढ़ाए होंगे या होगी या सर्टिफिकेट्स कॉम्प्रोमाइज़ किए फिर जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल टेस्ट या फिर टेस्ट uh, करता है उसकी सेंटिटी को बरकरार रखे अदरवाइज यूपीएससी विल बी नेक्स्ट

ऐसे लोग जो भारत का भविष्य निर्माता है ऐसे लोग जो नीति निर्माता है ऐसे लोग जो मेक इन इंडिया से लेकर के मेक फॉर इंडिया से लेकर के हमारे लिए भारत की फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री को सुनिश्चित करने वाले हैं वही लोग ऐसे करप्ट माध्यम से आने वाले हैं कहां उनमें एथिक्स होने वाली है कहां उनमें एम्फी होने वाली है कहां वो भारत के गरीब के साथ में लास्ट इन द लाइन के साथ में कहीं न्याय करने वाले हैं आप क्या सोचते हैं दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा इस वीडियो के अंत में अंटिल देन थैंक यू जय हिंद सरदा शक्तिशाली एंड गॉड प्लेस यू ऑल